तो अब हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं लकड़ी का पुल, वुडन ब्रिज, जो कि यूरोप का सबसे पुराना ब्रिज है, पूरे यूरोप में सबसे पुराना ब्रिज, जो स्विट्जरलैंड के लूसर्न शहर में बना हुआ है। और अभिमन्यु जी, अब आपकी इसके बारे में कुछ बताइए, इसकी हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये ब्रिज एक बार पहले पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था, बट यहाँ के लोगों ने इसको दोबारा से वापस रिबिल्ड किया। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को किस तरीके से सहेज के रखना चाहते हैं। ये शायद 19वीं सदी में हुआ था। और इस इतनी तरक्की कर गया ये शहर, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि इस वुडन ब्रिज को अभी भी इन्होंने हटाया नहीं है, इसकी रस्ते में जो आने जाने का रास्ता इसको ही रखा है। और हाँ, इसको मैं जरा आप सबको दिखाता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट, वहां पर देखिए एक ब्रिज है इस लेक के ऊपर, लूसर्न झील के ऊपर, ये एक बड़ा लेक, बहुत ही बड़ी लेक है, और इस पर एक परमानेंट ब्रिज भी बन गया है, मगर लोग अभी भी इस ब्रिज को बहुत पसंद करते हैं जैसा, और मेंटेन भी किया हुआ है, और क्योंकि ये यूरोप की हिस्ट्री का सबसे पुराना ब्रिज है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको हमारे साथ घूमिए, आप आगे चलिए। ये मुस्ताक जी है फोटो खिंचाते हुए। अरे क्या बात है, हेलो। और लोग इस ब्रिज पर आकर के अभी भी टाइम बिताना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक शांति है, एक पीस की अनुभूति लोगों को होती है। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। और हम आपको थोड़ा बहुत अब शहर के मार्केट भी दिखा देते हैं, जो कि बंद हो गया एक्चुअली, रेस्टोरेंट पर बार्स को छोड़कर के। मार्केट के बारे में क्या बताना चाहेंगे मोनी जी? यहाँ पे मार्केट के बारे में, यहाँ पे लोग शाम को 6:30 बजे पूरा मार्केट बंद कर देते हैं, और उसके बाद आई मीन दे प्रेफर टू एंजॉय। और लोगों को इतना ऐसा काम की मारा मारा नहीं है, तो लोग खुश रहते हैं यहाँ पर एक्चुअली। तो यही यहाँ की खासियत है कि स्विट्जरलैंड में लोग इतने खुश रहते हैं, क्योंकि वो आराम से अपना काम टाइम से बंद करते, पैसे के पीछे नहीं भागते, रिलैक्स होकर के रहते हैं। जैसा हमने कल वहाँ भी एक्सपीरियंस किया था उस फॉल पे, राइनफॉल पे, जहाँ पर एक हिंदुस्तानी चाय वाला 5 बजे ही अपनी चाय की दुकान बंद करके भाग गया, और हम चाय के लिए परेशान हुए, मगर हम उसका एटीट्यूड सोच कर ये भी खुश हुए कि भाई वो भी यूरोपियन हो गया बाई नेचर। सो अब आपने लगभग ये ब्रिज पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ जला था ये ब्रिज, इसके भी कुछ निशान अभी हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर जले का निशान है, ये है, आप फोटो भी दिखा सकते हैं ब्रिज के ऊपर हिस्ट्री को दिखाते। ठीक है, तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ल्यूसर्न सिटी, मी एंड अभिमन्यु, बाय बाय।